हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सोया चिली की रेसिपी। इसका स्वाद बेहद लजीज होता है और ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आता है। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे चिली पनीर बनाया जाता है, लेकिन स्वाद के मामले में बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। सोया चिली बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन में पानी चढ़ाना होगा और इसमें हमें डाल देना है नमक। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच नमक डाला है और इसे मिला देंगे। पानी को गर्म होने देंगे। अब हमें इसमें डाल देना है 2 कप सोया चंक्स। इसे सोया चंक्स भी कहते हैं, सोयाबीन भी कहते हैं और न्यूट्रेला भी कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल कर लेना है। तो हमने इसे बॉयल कर लिया। अब हमें कर देना है गैस को बंद और इसे छान कर ठंडे पानी में निकाल लेना है। तो आप इसे ठंडे पानी में निकाल लें। तो हमने यहाँ पे सारे सोया चंक्स को निकाल लिया। अब हमें सोयाबीन से पानी निचोड़ कर निकाल लेना है। ध्यान रहे ये ठंडा हो जाए, उसके बाद ये प्रोसेस करें। तो बस हमें इस तरह से इसे अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेना है एक मिक्सिंग बाउल में। तो हमने सारे सोयाबीन से पानी निचोड़ के निकाल लिया। अब हमें इसमें डालना है 2 चम्मच मैदा और इसमें हमें डाल देना है 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा का ही इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। और इसमें हमें डाल देना है 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिलने तक। अगर मैदा और कॉर्नफ्लावर अच्छे से कोट नहीं हो रहे तो आप थोड़ा पानी का स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल के गर्म होते ही हमें सोया चंक्स को इस तरह से डाल देना है एक एक करके। तो यहाँ पे मैं सोया चंक्स को अच्छे से डाल देती हूँ। इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी ही देर में ये फ्राई हो जाता है। हमें गैस को हाई फ्लेम में रखना है और इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है ये। तो ये फ्राई हो गया है, अब हमें इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। सेम प्रोसेस करते हुए हम सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो आप इस तरह से सोया चंक्स को डाल दें और हाई फ्लेम में इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। सेकंड बैच भी हमारा फ्राई हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं हम। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके लिए सॉस बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम एक पैन चढ़ाएँगे, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल और तेल के गर्म होते ही हमें इसमें डाल देना है लहसुन। तो यहाँ पे हमने 5-6 लहसुन को बारीक चॉप करके ले लिया है। तो इसे डाल के हम 30 सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। अब हमें इसमें डाल देना है प्याज। तो प्याज को हमने चकोर पीसेस में इस तरह से कट करके ले लिया है और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, हमने इसे भी चकोर पीसेस में कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें इसे हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बस 1 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्राई करेंगे इसे तो शिमला मिर्च का कलर चेंज हो जाएगा। और इसमें हमें डाल देना है गाजर कटे हुए। तो हमने गाजर को लंबे लंबे इस तरह से कट करके ले लिया है। आप चाहें तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि हमें ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है। तो तीखा और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। तो इन सबको हमें चलाते हुए 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो गया है, अब इसमें हमें ऐड करना है सॉस। तो हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच रेड चिली सॉस। तो यहाँ पे हम इसे डाल देते हैं और इसमें हमें डाल देना है 1.5 चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच विनेगर जिसे सिरका भी बोला जाता है, 1 चम्मच सोया सॉस
इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और इसमें हमें डाल देना है आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर से डालें। और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से ही डालें, क्योंकि सॉस में भी नमक रहता है। और इसमें हमने डाल दिया है आधे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, कलर लाने के लिए, वो तीखा नहीं रहता है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें इसे एक मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इस टाइम फ्राई किए हुए सोया चंक को डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर और इसमें पानी डालकर स्लरी तैयार कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें घोल के तैयार कर लेना है और इसमें डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। और दो चम्मच पानी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इसमें, और ये थोड़ी ही देर में थिक हो जाएगी, तो आप इसे चलाते रहें। सॉस हमारा तैयार है, अब इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए सोया चंक्स। ये प्रोसेस हमें थोड़ा फटाफट करना है, तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है सॉस के मिलने तक। तो आप देख सकते हैं सारे सोया चंक्स में सॉस बहुत ही अच्छे से मिल चुका है। हमें सोया चंक्स को डाल के ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक दो मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। सोया चिल्ली बनके हमारा तैयार है, तो अब हम कर देंगे गैस को बंद और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो आप इसमें ज़रूर से डालें, मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास नहीं था। तो ये हमारा सुपर टेस्टी मुंह में पानी ला देने वाला सोया चिल्ली बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत दिख रहा है, और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करिए, बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।